नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल। नाउ रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि पाकिस्तान में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ है जिसमें कि लगभग 44 लोगों की जाने गई और 200 लोग इंजर्ड हो गए हैं। और ये ना पूरा एकदम तब पाकिस्तान को ही पूरा हिला कर रख दिया, और इस चीज़ को पूरा वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ हर एक जगह हर एक न्यूज़ मीडिया में आप इस चीज़ को देख सकते हैं पूरा वर्ल्ड मीडिया में। और ख़ासकर यहाँ पे US ने भी इस चीज़ को कंडेम किया है कि ये जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ है पॉलिटिकल पार्टी में वो बहुत ही एकदम अमानवीय है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए था चाहे वो कहीं पर भी हो। और देखिए ये चीज़ ना भारत में भी इस चीज़ को कंडेम कर रहा है कि नहीं ये चीज़ जो भी हुआ वो चीज़ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि देखिए कहीं पर भी टेररिस्ट अटैक हो उसमें आम लोगों की जानें जाती हैं, इनोसेंट लोगों की जानें जाती हैं, जो चीज़ एकदम अनएक्सेप्टेबल बातें हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक है, उसमें कोई ना कोई टेररिस्ट अटैक इसका जिम्मेदारी लेगा, तो इसमें एक बहुत बड़ा नाम आ रहा है कि ये जो अटैक है उसको इस्लामिक स्टेट ने करवाया है। ये चीज़ खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये चीज़ कह रहा है, वहाँ का जो पुलिस है उन्होंने ये चीज़ को बताया है कि ये जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ उसमें इस्लामिक स्टेट का बहुत बड़ा हाथ है। इस्लामिक स्टेट को तो आपको पता ही है, आए दिन ये लोग बड़े बड़े ब्लास्ट करते ही रहते हैं, तो ये सभी चीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पे समझने की बात है कि ये जो पाकिस्तान में ब्लास्ट हुआ उसमें कई सारे टर्म्स हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग हुआ, सुसाइड बॉम्बिंग उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर सुसाइड बॉम्बिंग हुआ जिसमें कि मतलब ये और कौन से रीजन में हुआ ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में कि ये सुसाइड बॉम्बिंग होता क्या है, पॉलिटिकल रैली में आखिर क्यों वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, आए दिन वहाँ पर पॉलिटिकल रैली में क्यों ब्लास्ट होता है, और ये कौन से रीजन में हुआ है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम लोग पाकिस्तान कहते हैं तो पाकिस्तान में एक हेवन के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि दुनिया में अगर आपको कहीं पर भी एक टेररिस्ट ग्रुप का अगर हेवन जो कि यहाँ पे संरक्षण दिया जाता है टेररिस्ट को तो वो है पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में ही कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हो ये चीज़ आप पाकिस्तान में ही देख सकते हैं। वहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप का बड़ा बड़ा ग्रुप है, कई सारे ग्रुप्स हैं, तो उसी में ही यहाँ पर जो अटैक हुआ टेररिस्ट ग्रुप ने ही किया जिसमें कि एक सुसाइड बॉम्बिंग का यूज़ हुआ। तो देखिए सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सुसाइड बॉम्बिंग का मतलब क्या है कि कोई भी इंसान कहीं पर भी खुद का जान देते हुए कई सारे लोगों को मार दे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये जो पूरा आर्मर है इसमें मान लीजिए बहुत सारे बम लगा के आप कहीं पर भी कोई भी आदमी यहाँ पे कोई भी एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आदमी मान लीजिए यहाँ में से कोई एक आदमी वहाँ पे पहन के कोई भी भीड़ भड़ाका वाला जगह में चल गया, समझ लीजिए बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका वाला जगह में चल गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक है, वहाँ पे गया ये अल्लाहू अकबर कह के एकदम अचानक से ही जान को दे देता है, अपना पूरा बम से अपने आप को उड़ा देगा, उसी में ही वहाँ के लोग भी अगल बगल जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आते वो लोग मरे जाते हैं, इसी को कहा जाता है सुसाइड बॉम्बिंग, मतलब खुद का जान देके भी यही चीज करना है। तो सेम चीज पाकिस्तान में भी हुआ कहां जहां करके देखिए यहाँ पे 10 किलोग्राम का एक बॉम्बर एक इंसान वहाँ पे पहन अपने आप में लगा के आता है और वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, और जिसमें कि वहाँ पे कई सारे जो वहाँ पे भीड़ था उसमें कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। तो अब इस सब चीज़ में होता क्या है कि ये जो पूरा ब्लास्ट हुआ है उसमें पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लास्ट हुआ है। अब आप कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ब्लास्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टी तो खूब ज़्यादा सपोर्ट करती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी टेररिस्ट ग्रुप को, मतलब ये सारे टेररिस्ट ग्रुप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो देखिए इसमें बहुत सारे रीजंस हैं कि कौन से पॉलिटिकल पार्टी में यहाँ पे ब्लास्ट हो उसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसमें पॉलिटिकल पार्टी का जब मैं नाम कर रहा हूँ तो यहाँ पे जमीयत उलेमा इस्लाम फैजल, इसको शॉर्ट फॉर्म में JUIF कहा जाता है, ये पॉलिटिकल पार्टी ना एक हार्डलाइन पॉलिटिकल इस्लाम कहा जाता है, मतलब ये रेडिकलिस्ट बहुत ही ज़्यादा ये लोग सपोर्ट करता है। इनके अंडर में ना लगभग 30,000 वहाँ के जो मदरसे हैं 30,000 मदरसे को ये लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब एक इस्लामिस्ट ग्रुप है रेडिकल इस्लाम को ये लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है JUIF। और आपने इनका जो चीफ है देखिए ये जो इंसान है यही इसको इसका चीफ है, मतलब हेड है JUIF का, और आपने इनको देखा ही होगा कुछ दिन पहले ये वहाँ के इमरान खान के बहुत ज़्यादा डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे, उनको जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर, तो इन्हीं के ऊपर में इतना ब्लास्ट हुआ। तो दरअसल वहाँ पे हुआ क्या कि 400 लोगों का वहाँ पे भीड़ था, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का मीटिंग चल रहा था, उसी में ही एक इंसान आता है 10 kg का ब्लास्ट लेके, मतलब सुसाइड बॉम्बिंग टाइप का वो आता है और वहाँ पे अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। और ये चीज़ कहाँ पर मैं आपको बताऊँ, एक खार नाम का एक टाउन है जहाँ जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर से वो मतलब लगभग सामने ही था। अब यहाँ पे देखिए वर्ल्ड मैप में आप देख के समझिए कौन से जगह में यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे ये पाकिस्तान का मैप है, तो ये जो पूरा रीजन है जिसको हम लोग खैबर पख्तून कहते हैं वहीं पर खार टाउन है,
वहीं पे ये चीज़ हुआ। आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, ये खैबर पख्तून है, और ये खैबर पख्तून, आप इस चीज़ को बाद याद रखिए, खैबर पख्तून वही एरिया है जिसको कि एक तरह से सेंटर ऑफ टेररिस्ट कहा जाता है। सेंटर ऑफ टेररिस्ट मतलब कई सारे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं पाकिस्तान में वो लोग यहीं पर ही रहते हैं, जैसे वो तहरीक तालिबान हो गया, अलकायदा हो गया, चाहे वो कई सारे टेररिस्ट ग्रुप है, IS हो गया, ये लोग सभी कोई, और ये अफगानिस्तान से सटा हुआ है, मतलब अफगानिस्तान में भी आप देखें होंगे कई सारे ब्लास्ट होते हैं, चाहे पाकिस्तान में, तो ये यही रीजन में रह के ये लोग ब्लास्ट करता है, मतलब सेंटर ऑफ टेररिस्ट है। तो इसी में ही देखिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को आखिर वहाँ पे किया क्यों, मैं आपको समझाता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी को ब्लास्ट करने का रीज़न क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी, देखिए अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में ना ये चीज़ हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन आते हैं, क्योंकि अभी पाकिस्तान में इलेक्शन आने वाले हैं, देखिए 2023 में पाकिस्तान का जनरल इलेक्शन, जैसे कि भारत में चाहे USA में किस तरह से वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए इलेक्शन होते हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी इलेक्शन आने वाला है, जिसमें कि सिर्फ 3 ही पार्टी हैं जो कि प्रबल दावेदार हैं, एक PTI जो कि इमरान खान की पार्टी है, शहबाज शरीफ की PML, और बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है PPP। तो यही तीनों पार्टी हैं। तो यहाँ पे से जो इमरान खान की पार्टी है इनका तो पूरा डमाडोल है, ये अकेले ही अभी लड़ रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो पार्टी है PML और PPP, ये दोनों कंबाइंड स्टेट में अभी, और यही लोग अभी सरकार चला रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये इलेक्शन फिर से आने वाला, तभी इलेक्शन का कैंपेन बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलेगा, भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होगा पाकिस्तान में। तो ये सब ब्लास्ट ना अभी आए दिन में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये जो PPP और PML है, इसको ये जो JUF, मैं आपको जो बताया ना रेडिकल इस्लाम वाला जो ग्रुप है JUF, इनका जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इनको, और लोग इमरान खान को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो ठीक है, लेकिन ये जो पार्टी है मैं आपको बता रहा हूँ JUIF जो मैं कह रहा हूँ, ये लोग ना एक तरह से मीडिएटर है जी, ये लोग ना रेडिकल इस्लाम को तो सपोर्ट करता ही है, ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से भी पार्टनरशिप रखता है, और ये लोग टेररिस्ट ग्रुप से भी पार्टनरशिप रखता है। मतलब कि ये जो हमला इस बार किया गया IS जो जगह था, मतलब IS जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, इनसे भी इनका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, लेकिन कुछ यहाँ पे पॉलिटिकल इशू हो गया इनके ऊपर, तो इसीलिए इन्होंने ये चीज़ कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टी लोग थोड़ा दबाने की कोशिश करते ही रहता है पॉलिटिकल पार्टी लोग कि नहीं, यहाँ पे जो खुलेआम यहाँ पे जो मारधार होता है टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ये लोग भी सपोर्ट कर दिए, थोड़ा बहुत इंटरनल मैटर भी होगा इसीलिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का ये जो इन्फ्लुएंस ये लोग अपना बढ़ा रहे थे, उसी के चलते ये चीज़ IS ग्रुप को पसंद नहीं आई, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया। तो अब देखिए ये चीज़ ना होते ही रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब धीरे धीरे कई सारे ग्रुप्स बनते ही जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे किस लिए यहाँ पे ब्लास्ट हुआ, आपको समझ में आ गया, और मैं जो कह रहा हूँ कि वहाँ पे कई सारे ग्रुप बन रहे हैं, तो देखिए तहरीके तालिबान वहीं पे अलकायदा, ये दोनों का ना कुछ दिन के बाद मर्जर होने वाला है, मतलब पाकिस्तान में अलग ही लेवल में मर्जर हो रहा है। यहाँ भारत में बड़े बड़े कंपनियों का मर्जर हो रहा है, HDFC बैंक का मर्जर हो रहा है, रिलायंस का मर्जर हो रहा है, पाकिस्तान में बस यहाँ पे अलकायदा तहरीके तालिबान का मर्जर हो रहा है। ये दोनों ग्रुप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब पाकिस्तान को एकदम हेट करते हैं, कि वहाँ के जो आर्मी हो गया चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये सभी को भी मार देते हैं। तो ये लोग भी आने वाले दिनों में बड़े बड़े हमले करेंगे, क्योंकि ये चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि हमेशा से ही गवाह है कि जब जब पाकिस्तान में इलेक्शन आया तब तब यहाँ पे बड़े बड़े ब्लास्ट देखने को मिले हैं। अभी तो बस शुरुआत है, अब यहाँ पे देखिए जो मेन रेडिकल ग्रुप था इसको तो इन्होंने पूरा शांत ही कर दिया, क्योंकि 200 लोग इंजर्ड हो गए, ये लोग अभी धीरे धीरे शांत हो ही जाएगा, लेकिन अभी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी अभी ये चीज़ फेस करना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो देख के समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरी तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखें।